नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए बाहर। रांची में ही निःशुल्क इलाज का हो रहा है प्रबंध। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? आइए आपको सुनाते हैं। हम लिवर, मैं लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब किडनी स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर विवेक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो हम बोलने के कि लिवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। लिवर ट्रांसप्लांट के रीज़न क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि ये अल्कोहल है, हेपेटाइटिस है और फैटी लिवर है, इनसे हम कैसे बचाव करें और ये पॉसिबल है। ये मैं लिवर की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट की तरफ से, हमारी तरफ से ये सजेशन है। ऐसे ही मुझे लगता है किडनी की तरफ से डॉक्टर साहब बताएँगे। बोले नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आर अवेलेबिलिटी इज देयर और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एवरी मंथ समबडी फ्रॉम द स्पेशलिटी वुड बी अवेलेबल टू गिव द सर्विसेज। जितने भी नीडी पीपल्स हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? वो डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ जो ओपीडी है बिल्कुल निःशुल्क है। वी विल नॉट बी चार्जिंग फॉर दैट। बट एज फार एज अगर किसी पेशेंट को अपोलो आना पड़ता है, अपोलो दिल्ली से हैं हम लोग, जैसे अपोलो दिल्ली से आना पड़ता है, तो जो चार्जेस वहाँ पर होंगे वो करेंगे। बट यहाँ पर जो हम गाइडेंस देंगे, जो भी परामर्श देंगे, वो निःशुल्क रहेगा। सो ये अपोलो के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी एक पहल है। रांची और झारखंड के जनता के सामने अपोलो का केयर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट के लिए आप लोग पूछ रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं एंड पेशेंट का क्या फ़ायदा है। आप जो भी इस एरिया से रहता है, मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ, ये सच्चाई है। हेल्थ केयर की जो व्यवस्था है, स्थिति है, वो इंटरनेशनली या नेशनली जो होती है वो नहीं है। और बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको, जिन्हें हायर सेंटर रेफ़र किया जाता है, वो एम्स जाते हैं, वो अपोलो जाते हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स जाते हैं, सिर्फ इसलिए ये जानने के लिए कि उनके मरीज़ का क्या हो सकता है। हमारी जो पहल वो ये है, हमारी कोशिश ये है कि ऐसे मरीज़ों को दिल्ली, मुंबई, वेल्लोर ऐसी जगह भटकना ना पड़े, वो यहाँ आए। ये ज़रूरी नहीं है हमसे कंसल्टेशन के बाद वो अपोलो आए, ये मकसद बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि मरीज़ का अगर एक सही डायग्नोसिस सही वक्त पे हो, तो मानिए मेरी बात, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आधा इलाज हो जाता है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है डायग्नोस्टिक डायलेमा बना होता है, ये समझ में नहीं आता। आप देख लो, एक पेशेंट, 10 पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो बहुत बुरी स्थिति में आते हैं। उनका हार्ट का पंपिंग 20-30% होता है और सबसे अफसोस की बात ये होती है, इसके पहले उनके इलाज का प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ तो 2 एंटीबायोटिक, 2 पैंटोसिड, मतलब जो गैस की दवा होती है, या फिर ब्रोंकोडायलेटिस दी जाती है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? हर सांस की दिक्कत सिर्फ फेफड़ों से नहीं होती है, वो हार्ट की प्रॉब्लम के कारण हो सकती है, वो लीवर की प्रॉब्लम के कारण हो सकती है, वो किडनी की प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। तो हमारा जो रोल है वो यही है दैट हम मरीज़ को कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है, उन्हें ज़रूरत है एक ओपिनियन की, एक सलाह की, वो बाकायदा हमारे डेट्स पहले से पता होंगे, जो कोऑर्डिनेटर से उनको पता होगा कि किस दिन किस वक्त कौन आ रहा है, एंड वो प्रायर अपॉइंटमेंट लेके, जैसा कि हम बोल रहे हैं निःशुल्क कंसल्टेशन है, सिर्फ मकसद ये है कि हम उन्हें एक राह दिखा सकें, उन्हें एक मार्ग दिखा सकें, ताकि उनके मरीज़ का सही इलाज हो। और आप सोचो, किसी को नहीं जाना पड़े दिल्ली, किसी को नहीं जाना पड़े मुंबई, आप सोचो कितना पैसा बच रहा है उनका। तो ये हमारा पर्पस है। हम अपोलो का इलाज यहाँ नहीं ला सकते हैं, बट हम अपोलो की जो एक्सपर्टीज़ है, ओपिनियन है, परामर्श है, वो यहाँ ला सकते हैं। वही हमारी कोशिश है। नहीं, यहाँ तो हम फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम जब आएंगे तो वो फ्री परामर्श होगा। वहाँ पे आप बता दें, आए अपॉइंटमेंट लेके, एंड जो भी परामर्श होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। तो आपने सुना कि कितनी बेहतर तरीके से निःशुल्क इलाज का प्रबंध कराया जा रहा है, कितने डॉक्टर्स की तरफ से निःशुल्क इलाज का प्रबंध कराया जा रहा है, उन्होंने हमारे कैमरा के माध्यम से बताया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।